कक्षा 7 प्रथम पाठ है पहला पाठ। पाठ का नाम है वार्तालाप है बातचीत। लट लकार लिट लकार लकारियों पुनरावृत्ति, लट लकार और लिट लकार की पुनरावृत्ति होगी इस पाठ में। तो आइए अब हम समझते हैं कि लकार क्या होते हैं। संस्कृत में कार को लकार कहते हैं एवं क्रिया के मूल रूपों को धातु कहते हैं। धातुओं के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। लकार 5 होते हैं, लट लकार जिसे हम वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं, लिट लकार जिसका प्रयोग हम भविष्य काल में करते हैं, और लंग लकार जिसका भूतकाल के लिए, लोट लकार आज्ञा या आदेश के लिए, विधिलिंग लकार चाहे के योग में, यानी हमें किसी चीज की इच्छा हो, प्रार्थना करनी हो, इसलिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है उसमें हम लट लकार और लिट लकार के बारे में जानेंगे। लट लकार लिट लकार के शब्दों का प्रयोग होगा। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लट लकार कुछ वाक्य बोलती हूँ मैं लट लकार और लिट लकार के। सह पढ़ती, वह पढ़ता है, ये लट लकार वर्तमान काल का है। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, ये लिट लकार भविष्य काल का है। तो पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे, ये वाक्य है लिट लकार का भविष्य काल का। तो इस प्रकार बहुत सारे जो लिट लकार के और लट लकार के वाक्यों का हम इस चैप्टर में प्रयोग इस पाठ में प्रयोग करेंगे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं वार्तालाप यानी बातचीत। तो बातचीत पिता पुत्र के बीच में बातचीत है। अंकिता है, अंकित उत्तिष्ठ, अंकित उठो। एषा प्रभात वेला अस्ति, यह प्रभात वेला है। सूर्योदय भवति, अब पिता कह रहे हैं पुत्र से कि अंकित उठो, यह प्रभात वेला है, सुबह का समय है। सूर्योदय भवति, सूर्योदय होगा। पुत्र, अब पुत्र कह रहा है अपने पिता से, उत्तिष्ठामि पिताश्री, उठता हूँ पिताजी। सादर नमामि, उठकर अपने पिताजी को नमस्कार करता है, आदर पूर्वक नमस्कार करता है। पिता, अब पिता बोलेंगे प्रातः है जागरण, स्वास्थ्य हानिकारी हितकारी भवति। प्रातः है जागरण, सुबह का उठना, सुबह के समय उठना स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। अब इन तीन वाक्य हमने जो पढ़े उनमें से अस्ति भवति ये दोनों धातु के रूप हैं, उत्तिष्ठामि नमामि और ये दोनों धातु के लकार के रूप है। उत्तिष्ठामि है लिट लकार का है और नमामि है वह लट लकार का है वर्तमान काल का। आगे पुत्र कह रहा है भवान पुत्र गच्छति, पुत्र अपने पिता से कह रहा है आप कहाँ जा रहे हो। पिता, अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानं गच्छामि, अधुना अब अहम मैं प्रातः भ्रमण के लिए उद्यान में यानी सुबह के समय घूमने के लिए बगीचे में जा रहा हूँ। पुत्र, अहम अभी भवता सह चलामि, पुत्र कह रहा है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अहम मैं अभी भी भवता आपके सह साथ चलामि चलता हूँ। अब पिता कह रहे हैं सोवनम, बहुत अच्छी बात है। प्रातः काल से भ्रमणे शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति, अब पिता कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है प्रातः काल यानी सुबह के समय का भ्रमण घूमना शरीर को बलिष्ठम यानी बलवान, स्वस्थम यानी स्वस्थ च भवति बनाता है, शरीर को बलवान और स्वस्थ बनाता है। अब पिता पुत्र के बीच में बातचीत पाठ में समाप्त हो गई है। अब हम दो आपस में दो बालिकाओं की बातचीत सुनेंगे पढ़ेंगे। यामिनी और सुगंधा के बीच में बातचीत है। यामिनी प्रविश्य, यामिनी प्रवेश करती है। सुगंधे त्वं किं करोसि, सुगंधे यानी सुगंधा तुम क्या कर रही हो। यामिनी आती है सुगंधा के पास और पूछ रही है कि सुगंधा तुम क्या कर रही हो, त्वं तुम किं क्या करोसि कर रही हो।
सुगंधा अरे यामिनी, अरे यामिनी आ गच्छ है, आ गच्छ है, आओ आओ। अहम तो दूरदर्शनम पश्यामि, मैं तो दूरदर्शन देख रही हूँ, यानी टीवी देख रही हूँ। अहम मैं, तू तो दूरदर्शनम टीवी देख रही हूँ, दूरदर्शन देख रही हूँ। यामिनी किम त्वम स्वयं गृहम आगमिष्यसि, किम क्या त्वम तुम मम मेरे गृहम घर आगमिष्यसि, क्या तुम स्वयं यानी कल, क्या तुम कल मेरे घर आओगी, आ सकती हो। सुगंधा किमर्थम, आप सुगंधा उससे पूछ रही है किस लिए, किमर्थम किस लिए, किस काम से। यामिनी अहम स्वयं अहम परिवारे से भ्रमणाय गमिष्यामि, यामिनी कह रही है स्वयं यानी कल, आने वाला कल, कल मैं परिवार के साथ घूमने जा रही हूँ। किम त्वम चली सेसी, क्या तुम चलो चलती हो, क्या तुम चलोगी। तो सुगंधा कह रही है नहीं स्वयं कल तुम तो अहम अपि पितृ वैश्यस्य गृहं गमिष्यामि, कल तो मैं अपने चाचा के घर जाऊंगी। पितृ वैश्य चाचा, गृहं गृहे चाचा के घर जाऊंगी। यामिनी किमर्थम, अब यामिनी पूछती है सुगंधा से कि किस लिए। तो सुगंधा कह रही है स्वयं अनुजस्य जन्मदिवसे भविष्यति, कल मेरे अनुज का जन्मदिन है, यानी मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, अनुज यानी छोटा। यामिनी सोवनम तदा त्वम अनुजाय किं दास्यसि, यामिनी कह रही है कि बहुत अच्छी बात है कि कल तुम अपने छोटे भाई के जन्मदिन पर जाओगी। तदा त्वम अनुजाय किं दास्यसि, तब तुम अनुज को क्या दोगे, अपने छोटे भाई को क्या दोगे। सुगंधा कह रही है अहम अनुजाय क्रीडकानि दास्यामि, सुगंधा कह रही है मैं अहम मैं अनुजाय अनुज के लिए, अनुज को यानी छोटे भाई को क्रीडकानि खिलौने दास्यामि दूंगी, मैं अपने छोटे भाई को खिलौने दूंगी। यामिनी उत्तम विचार अस्ति, यामिनी कह रही है कि यह विचार उत्तम है, बहुत अच्छा है। अधुना अहम चलामि, अब मैं चलती हूँ, अन्यथा माता क्रोधसेति, अन्यथा माता क्रोधित हो जाएगी। सुगंधा बाढ़म बस वह विद्यालय में भी शाव है, अच्छा बाढ़म यानी अच्छा पर्स वह परसों विद्यालय में मिलते हैं।